सर MFL देखिए, मेघमनी फिनकैम। मुझे, मैं कंपनी को फॉलो करता हूँ जब से इन्होंने डिमर्ज किया, उसके पहले से मैंने लिया भी था, फिर बेच दिया। कुछ इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू थे उस समय, इनकी कोई कंपनी थी जो कि सिंगापुर में थी, पर हमने बेचा था। लेकिन सरप्राइजिंगली अलेक्स जी, पता नहीं क्या हुआ, जब से इन्होंने बिजनेस को डिमर्ज किया है, बोथ द बिजनेसेस आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। इस बार जो है, जो रिजल्ट आए हैं, अगर आप देखेंगे, सो माइंड ब्लोइंग रिजल्ट। एमएफएल के जो मैग्नीनी फाइन केमिकल है, जो कि ज्यादा मार्जिन का बिजनेस है, और जो मैग्नीनी ऑर्गेनिक है वो थोड़ा कम मार्जिन है, उसमें 12% की मार्जिन है। ये पहले 20% के आसपास, 18-20% के मार्जिन में इनकी स्पेशलिटी केमिकल में है। तो दोनों कंपनियों के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। और अगर रिजल्ट से आप देखें, अब मुझे पक्का ध्यान आ रहा है कि 1100 रुपए के आसपास था, और वहां से 14-30% की राइस ऑलरेडी मतलब हो चुका है इसमें 30%। और मेक मनी ऑर्गेनिक में थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि वो वहां पर मार्जिन कम है, तो वो थोड़ा कम बढ़ा, लेकिन ये ज्यादा बढ़ गया। मुझे लगता है निचले स्तरों पे मिले तो मिले, क्योंकि ऑलरेडी जो मैं कह रहे कि रिजल्ट के इफेक्ट थे, इम्पैक्ट थे, वो ऑलरेडी इन प्लेस है। और कल की इतनी गिरावट में बहुत ज्यादा गिरा नहीं था ये स्टॉक, मतलब वो इनहेरेंट स्ट्रेंथ शो करता है कि इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी रेस्ट एश्योर्ड हैं कि ज्यादा नहीं गिरेगा। निचले स्तरों पे मुझे लग रहा है कि 1200, 1250 ये अच्छे लेवल होंगे, कभी आपको मिल जाए तो लें, या जो कल का लो है उसको आप एक जो है कहने की लैंडमार्क बना सकते हैं, जो कि 1277 के आसपास है, और उसमें राइट द गाइड किया जा सकता है। ठीक है संतोष सर, अगर दोनों में मैं कंपेयर करके और सोचना सोचूं कि सिर्फ एक ही लेना है, तो MFL और MOL में से कौन सा ज्यादा प्रेफरेंशियल होगा? देखिए, डेफिनेटली जो कंपनी में बिजनेस मार्जिन ज्यादा है, वहां पर कहने की स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, या फिर कभी भी डाउनटर्न आता है बिजनेस में, तो वो कंपनियां कम हिट कर लेती हैं, क्योंकि और जहां पे मार्जिन कम होती है वो ज्यादा हिट हो जाता है। तो MFL आई थिंक विल बी द वन व्हिच वन शुड लुक एट। ये रहा MFL और MOL पे।